दशहरा पर एक और रावण दहन की परंपरा है तो दूसरी ओर रावण भक्त रावण की पूजन पाठ का सिलसिला भी जारी रखते हैं। विजयादशमी के अवसर पर जहां एक ओर रावण का दहन किए जाने की परंपरा है तो वहीं दूसरी ओर शिवनगरी उज्जैन में शिव भक्त रावण की भी पूजा करते हैं। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय लंकेश परिषद द्वारा रावण का पूजन पाठ किया जाता है। यह संगठन पिछले 28 वर्षों से रावण का पूजन पाठ करता आ रहा है। रावण पूजन के बाद महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाता है। आज रावण के भक्तों ने सबसे पहले मंत्रोच्चारण किया, उसके बाद आरती उतारी। भक्त रावण की भक्ति में लीन नजर आए। रावण की पूजा करने वालों का मानना है कि रावण महाकाल का परम भक्त था और उसे चारों वेदों और पुराण का ज्ञान था। रावण ने सीता को भी लंका में पवित्र रखा। वह विद्वान पंडित था। भक्त आज के दिन रावण के मोक्ष दिवस रूप में मनाते हैं। विगत 28 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय लंकेश परिषद के तत्वाधान में इनकी निरंतर पूजन पाठ और महाप्रसादी का आयोजन बरसते आ रहे हैं। ये हमारा 28वां का अपने ये वर्ष है और महाकाल की नगरी में महाकाल के भक्त की पूजा होना चाहिए। महाकाल भी खुद एक बार रावण से मिलने के लिए दशहरे मैदान पर जाते हैं साल में एक बार, यानी कि पहले से अपने रची हुई लीला के अंतर्गत रावण राम के हाथ से ही उसकी मोक्ष लिखा गया था और हम आज के दिन को मोक्ष दिवस के रूप में क्या है कि मनाते हैं।